घर के अंदर ही रहें, बाहर निकलकर हमारी दीपावली की खुशियों को खराब ना करें। जय श्री राम। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप VN ऐप में ट्रेंडिंग ट्रोल फेस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ट्रोल फेस वीडियो एडिटिंग हम करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से VN ऐप को इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ये ऐप नहीं है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लो। एंड अगर आप यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में हो तो वीडियोज वाले सेक्शन में आ जाना एंड अपने वीडियो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसे प्ले करके देखाऊं देन आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है। इसमें कहीं पे भी कोई ट्रोल फेस वगैरह एडेड नहीं है, ना ही कोई इफेक्ट है और ना ही कोई कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सब कुछ है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा चीज यहाँ पे करना सीखेंगे। सो सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सारा चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपने वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके आपको देखना है कि आप कहाँ पे ट्रोल फेस को ऐड करना चाहते हो। ठीक है, जहां पे भी आप ट्रोल फेस को ऐड करना चाहोगे वहां पे जाके आप अपने वीडियो को रोक देना। जैसे कि जब ये हैंड्स को ऊपर कर रहे मैं यहां पे ट्रोल फेस को ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे आके हम जस्ट इस वीडियो को रोक दिए। रोकने के बाद आप यहां पे इसे एक बार और प्ले करके देख लेना कि वो परफेक्ट पोजिशन है या फिर नहीं। जैसे कि लाइक ये वाला पोजीशन बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट कर लेना है कि कहाँ पे आप ट्रोल फेस को ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को आप स्प्लिट कर देना। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा मतलब कि एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसके ऊपर क्लिक करके उसे आप डिलीट कर देना। ओके, मतलब कि जहाँ आप ट्रोल फेस ऐड करना चाहते हो जस्ट वहाँ पे आप कट कर दो एंड एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ से हटा दो। ओके, इतना कर लेने से आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब सेकंड स्टेप में आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आ जाना एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट आप लोगे तो आपका कुछ इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वही स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस का बटन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। उसके बाद फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर आके इस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ऐड हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इसका साइज को आप यहाँ पे इंक्रीज करना, बिल्कुल फिक्स कर लेना जैसा पहले था। फिर यहाँ पे अच्छे से इसे एडजस्ट कर देना। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसे और अच्छे से कर लेते हैं। नाउ अब बिल्कुल ये अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको ना जहाँ पे ये इमेज आपने ऐड किया उसे थोड़ा सा जस्ट आपको पहले आना है एंड यहाँ पे आपको एक PIP का मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो। फिर आपको एक वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करना। देन इमेज वाले सेक्शन में ही रह के जस्ट आपको यहाँ पे अब ट्रोल फेस को ऐड करना है। ठीक है, तो ट्रोल फेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रोल फेस होना भी तो चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे ट्रोल फेस का लिंक दे दिया, आप वहां से ट्रोल फेस को सेव कर लेना। फिर जस्ट उसे आप सेलेक्ट करना। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे काफी सारे ट्रोल फेस हैं, अब इनमें से जो भी सही लगेगा उसे आपको जस्ट यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे आपको अच्छे से यहां पे जस्ट इंक्रीज करके फेस के ऊपर जस्ट इसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट कर देने से आप यहां पे देख पाओगे ये दो स्टेप करने से हमारा जो वीडियो है उसके ऊपर जस्ट ये ट्रोल फेस ऐड हो चुका है। बस ये ऐड हुआ है लेकिन इसमें कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे जस्ट ट्रोल फेस को ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको एक FX का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आपको काफी सारे यहाँ पे एनिमेशंस देखेंगे। ओके, जिनमें से कि आप यहाँ पे ये जीटेल को यूज कर सकते हो या फिर इसे यूज कर सकते हो या फिर ये सबसे बेस्ट रहेगा, ये जो GTEL 3 है ना ये सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना, फिर इसे जस्ट आप यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देना एंड ड्यूरेशन को थोड़ा कम करना। फिर डन करोगे तो आप यहाँ देख पाओगे कि हमारे जो ट्रोल फेस
वजह से उसमें ये एनिमेशन ऐड हो गया जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये काम आपको कर देना है। अब उसके बाद आपका ये जो इमेज एडेड है यहाँ पे, जो स्क्रीनशॉट का इमेज है, उसमें भी कोई एनिमेशन आपको ऐड कर देना है बेटर रिजल्ट के लिए, मतलब कि वीडियो अच्छा लगे देखने के लिए। ओके, तो जस्ट आप अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पे काफी सारे आपको एफएक्स वगैरह फिर एनिमेशन वगैरह मिलेंगे, जिनमें से कि आप यहाँ पे ग्लिच को यूज कर सकते हो या फिर इसे यूज कर सकते हो, ये सबसे परफेक्ट रहेगा। तो आई सजेस्ट कि आप इसी को यूज करना, बाकी और भी यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, जो सही लगे उसे सेलेक्ट करके डन कर देना। तो आप यहाँ पे देख पाओ कि इसमें जो एनिमेशन है वो भी ऐड हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमने काफी सारे काम कर लिया है। अब उसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके माई म्यूजिक में आप आ जाना, एंड यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च के ऊपर क्लिक करो, एंड आप ट्रोल फेस लिख के सर्च करो, एंड यहाँ पे आपके सामने जस्ट ट्रोल फेस का जो म्यूजिक होगा वो आ जाएगा, लेकिन आएगा तब जब आपके पास ट्रोल फेस म्यूजिक होंगे। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे जस्ट ट्रोल फेस म्यूजिक दे दिया, उन सभी का नाम मैंने ट्रोल फेस ही रख दिया है, तो सभी मतलब कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से सेव कर लेना। जैसे ही सर्च करोगे सारे ट्रोल फेस वाले जितने भी म्यूजिक मैंने दिया होगा सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें से आप जिसे यूज करना चाहोगे उसे जस्ट आप सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए यूज के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर डन कर दोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे ट्रोल फेस वाला जो म्यूजिक है वो ऐड हो चुका। ठीक है, ऐड हो जाने के बाद अब आपको इसे एक बार प्ले करके देख लेना है कि क्या ये आपके जस्ट जहाँ पे ट्रोल फेस आपने ऐड किया है वहां से मैच कर भी रहा है या फिर नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम को अप करता हूँ, श्री राम, एंड आपने यहाँ पे सुना कि ये बिल्कुल परफेक्ट मतलब कि मैच कर रहा है, जहाँ पे हमारा ट्रोल फेस वहीं पे बीट भी आ रहा है। और अगर आपको लगे कि यार थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करना, जैसे कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि म्यूजिक में यहाँ पे बीट आ रहा है और हमारा जो ये ट्रोल फेस वो पहले आ जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो कि अपने म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके बीट के ऊपर चले जाओ, एंड सबसे पहले बीट मार्क कर लो जहाँ पे भी बीट आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो कि क्या आपका ये जो ट्रोल फेस है और ये जो बीट हो एक पास है या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। अभी आपको पता चल रहा है कि ये थोड़ा आगे है, तो आगे तो इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आप पीछे जाओ एंड इसे यहाँ पे कम कर दो, फिर इसको बिल्कुल आगे की साइड लेके आ जाना। देन आप यहाँ देख पाओगे कि ये जो ट्रोल फेस है और ये जो नजदीक आ गए थे बट अब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप अरेंज भी कर लेना अपने म्यूजिक को, सो डेट कि आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एक रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो गया, अब सिर्फ हमें यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना, फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पे काफी सारे फिल्टर मिल जाएंगे, इनमें से कोई अगर आपको अच्छा लगे तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आ जाना। इसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइट के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस मिलता है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को इंक्रीज करके लाइट को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर डिक्रीज करना चाहो तो डिक्रीज भी कर सकते हो। मेरे वीडियो में इंक्रीज करने से सही लग रहा है, इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ पे सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस इन दोनों को इंक्रीज करोगे तो कलर इनहेंस हो जाएगा, सो इंक्रीज कर देना। एंड टेम्परेचर से ब्लू टोन और येलो टोन आएगा, तो मेरे वीडियो के ऊपर ब्लू टोन सही लग रहा है, सो मैं ब्लू टोन दे दिया। एंड यहाँ पे विग्नेट से कुछ इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई होता है जो कि देखने में अच्छा लगता है, सो आई सजेस्ट कि आप इसे थोड़ा अप्लाई कर देना। ओके, देन उसके बाद HSL मिलेगा, इसके ऊपर जाके आप एक एक कलर को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके HUE को अगर आप यहाँ पे कम या फिर ज्यादा करो देख पाओ ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, लाइक आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड अगर आप नोटिस करो तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया एंड सेचुरेशन को भी इंक्रीज करके लाइट को थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। अब यही सेम चीज आप हर एक कलर के साथ कर सकते हो, जैसे कि ब्लू को मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो इसकी मदद से ब्लू कलर चेंज हो रहा है। ओके, फिर सेचुरेशन बढ़ रहा है एंड लाइट कम हो रहा है, तो यही सारी चीज आप के साथ कर सकते हो। नाउ अगर आप अपने वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो शार्पन को आप यहाँ थोड़ा इंक्रीज करना, साथ में कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, क्वालिटी इनहेंस हो जाएगा। और एक HUE मिलता है, अगर इसे आप यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो कुछ इस तरीके का कलर ग्रेडिंग होगा, थोड़ा डिक्रीज करने से काफी अच्छा लगता है कलर, तो मैंने यहाँ थोड़ा डिक्रीज कर दिया। फिर डन करे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे कलर ग्रेडिंग हो गया जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है, हमारा इंटायर जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से करके जस्ट आप वीडियो को बना सकते हो। आई होप आपको समझ
समझ आ चुका है कैसे आप ट्रोल फेस वीडियो एडिटिंग VNF में बना सकते हो। अभी से अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना, फिर ऑटो से आप यहाँ पे मैनुअल में आ जाना, 4K को सेलेक्ट करना अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट करे, अगर ना सपोर्ट करे तो जस्ट 1080 को ही सेलेक्ट करना, बस बीट रेट को बढ़ा के एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो वीडियो होगा आपके डिवाइस में बिल्कुल हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।